नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ढोंडियाल सिस्टर्स में। तो आइए आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी खिड़की के पास बैठा एक पेड़ को देख रहा था। उसने सोचा, इस पेड़ ने कितनी लाइफ देखी है, काफ़ी कुछ अच्छा बुरा देखा है। अगर ये पेड़ मुझे बताए कि इसने क्या क्या देखा है तो कितना मज़ा आएगा। तभी अचानक से पेड़ बोलने लगा, जिसे देख वह हैरान हो गया। तब पेड़ ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सबक लिया। आदमी बहुत खुश हुआ, बोला, हाँ हाँ बताओ, मुझे भी बताओ। पेड़ ने कहा, मैं लाइफ के 3 लेसन तुमको बताता हूँ जो तुमको कोई किताब भी नहीं बता सकती। आदमी ने कहा, हाँ हाँ बताओ। तो पेड़ ने उस आदमी को बताया, जब हम बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हम छाया देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, तो लोग हमारे नीचे आके बैठते हैं। लेकिन जब हम किसी आंधी तूफान से गिर जाते हैं तो हमारा बचा हुआ हिस्सा वही लोग आकर काटते हैं जो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। इसलिए लाइफ का ये पहला लेसन है, कभी ज़िंदगी में गिरना मत। जब तक तुम खड़े हो तब तक सब तुम्हारी छाया का मज़ा लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम गिरोगे तुम्हारे ही नीचे वाले तुमको काटेंगे। आदमी ये बात सुनकर हैरान था। फिर उसने पूछा, दूसरा लेसन क्या है? पेड़ ने कहा, जिस कुल्हाड़ी से वो हमें काटते हैं वो भी हमसे ही बनी होती है। तो दूसरा लेसन ये है कि जो दुश्मन हमें काटता है वो कोई बाहर से नहीं आता, हमारा ही होता है। जो आदमी आपको लाइफ में सच में काट पाता है वो हमारे अंदर का ही होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सीक्रेट्स, अपनी चीज़ें ऐसे लोगों को बताएं जो आपकी लाइफ में आरी या कुल्हाड़ी का काम ना करें। बुद्धिमानी के साथ अपनी बातें किसी को बताएं, हर किसी के साथ शेयर ना करें। आदमी को यह सीख बहुत अच्छी लगी। उसने पेड़ से पूछा, और तीसरा लेसन बताओ। फिर पेड़ ने बोला, जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा फल होते हैं लोग उसी पेड़ पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। तो जब भी आपको लगे कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास फल है, इसलिए ही लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर फल नहीं होगा तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो तीसरा लेसन यही है कि अगर क्रिटिसिज्म आपके पास आ रहा है मतलब आपके पास सफलता है। खुशी से क्रिटिसिज्म को अपनाओ क्योंकि आप सफल हो। जहां सफलता होती है वहीं क्रिटिसिज्म होता है।